अवसर पर चंडीगढ़ के आईटी पार्क में स्थित डीएलएफ सिटी सेंटर मॉल में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गैर सरकारी संस्था प्रसन्न चेतस फाउंडेशन से जुड़े छात्राओं द्वारा फ्लैश मॉब परफॉर्मेंस भी पेश किया गया। साथ ही रद्दी से किस तरह के आकर्षक उत्पाद बनाए जा सकते हैं इसके बारे में भी जानकारी दी गई। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं यहाँ सेंटर हेड हूँ डीएलएफ सिटी सेंटर मॉल चंडीगढ़ आईटी पार्क। आज जो हमने ये 9 एम्पावर्ड लेडीज़ को बुलाया है और उनको सम्मानित किया, इनमें से कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो एनजीओस के साथ बहुत प्यार से जुड़ी हैं, जैसे कि प्रसन्न चेतस की मंजुला जी हैं, रद्दी से प्रगति, और शी वर्क्स वेरी एक्टिवली ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़, एंड देन देयर वाज आवर रेणु माथुर जी हु हैज़ बीन अ ग्रेट सोशल वर्कर, प्लस मिस दामिनी हु हैज़ बीन राइटिंग ऑन लेडी एम्पावरमेंट इटसेल्फ। सो दीज थिंग्स एक्चुअली मोटिवेट्स अस टू हैव मोर एंड मोर पीपल नोइंग द मॉल फर्स्ट, एंड मोस्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोइंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे टुडे। मंजुला है और मैं प्रसन्न चेतस फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर हूँ। मेरे साथ मेरे और भी वॉलंटियर्स और टीम मेंबर्स हैं। हम आज यहाँ डीएलएफ मॉल पे दुर्गा अष्टमी के अवसर पर हैं। प्रसन्न चेतस फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है और ख़ासकर बच्चों की सुरक्षा और सेहत के लिए काम कर रहा है, जिसमें हमारा जो मेन मुहिम है वो बाल शोषण को रोकने का है, और उसी के लिए हमारा एक फंड रेजिंग प्रोजेक्ट है रद्दी से प्रगति के नाम से, जहाँ पर हम लोगों से रद्दी, खासकर ओल्ड न्यूज़पेपर और प्लास्टिक बॉटल्स लेते हैं और उससे फिर हम तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज डीएलएफ मॉल पे भी हम लोग अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हुए हैं और हमारा रद्दी से प्रगति का स्टॉल भी यहाँ पर पुटअप है। तो इसी तरह से हमारा जो एक और मतलब हम लोग जहाँ बाल शोषण को रोक रहे हैं, तो हमारा जो मेन वो है तरीका है लोगों तक पहुँचने का या अपनी आवाज़ पहुँचाने का, वो ये है कि हम चुप्पी थोड़ें और बात करें। तो आज हम सब देख सकते हैं कि हम सब ने वही मास्क पहने हुए हैं कि हमें चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत है और शैटर द साइलेंस यू नो करके शोर मचाने की ज़रूरत है। बाकी हम सब आपका साथ ज़रूर चाहेंगे ताकि ये हमारा मुहिम और लोगों तक पहुंच पाए। आपने बताया आप न्यूज़पेपर से वेस्ट से तैयार करते हैं मटेरियल, तो लोगों का कितना सपोर्ट रहता है? सपोर्ट रहता है, खासकर हम लोग जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मतलब पार्टनर कर लेते हैं, तो ये होता है कि एक जगह से हमें बल्क में न्यूज़पेपर मिल जाता है। इसके अलावा कई कॉर्पोरेट्स और जैसे बड़ी संस्थाएँ एनसीसी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और मतलब सच में लोग सपोर्ट भी करते हैं और मतलब पूरी तरह से जुड़ने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ आज हमारे ये प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो खासकर ये लोग सब स्कूल एंड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो एक तरह से ये एक और भी अवसर है बच्चों को चैनलाइज करने का। आज वही बात है कि बच्चे अपनी एनर्जी किसी गलत काम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने ला पाते हैं और कुछ अच्छे या सोशल डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे पाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स का क्या करते हो बाद में? इन प्रोडक्ट्स को हम सेल ऑफ करते हैं, ये हमारा फंड रेजिंग प्रोजेक्ट है, तो हम लोग जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं, खासकर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में या कॉर्पोरेट्स में जाकर। तो आज डीएलएफ मॉल में भी हमने अपना यहाँ पे स्टॉल पुटअप किया है, तो लोग जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट के सिर्फ वो कीमत प्रोडक्ट की नहीं होती है, वो साथ ही एक तरह से एक योगदान होता है जो हमारा और दूसरे मतलब एफर्ट्स हैं एक्चुअली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ या बाल शोषण को रोकने के लिए, जिसमें हम लोग खासकर एजुकेशन के माध्यम से ही बच्चों को जागरूक करके, बच्चों को ही नहीं उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, यहाँ तक कि हम लोग स्कूल सिस्टम के साथ पार्टनर करके, मतलब स्कूल में अगर यस पियॉन है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उन सबको हम लोग जागरूक करते हैं कि बाल शोषण कितना गलत है और इसे रोकने की ज़रूरत है।